Hello guys, welcome back in ManVeer Zone. I'm your partner V. Today I'm going to react on Gupt GYaan by Ashish Chanchlani. So dosto yaar, aap sabke suggestion aaye the ki yaar aa jao karo react, to aage karne react Gupt GYaan. वैसे दो ही चीज गुप्त रखी जाती है, एक ज्ञान और रोग. मेरे हिसाब से यही दो चीजें हैं, बाकी गुप्त ज्ञान में क्या ज्ञान होगा. वैसे मैक्सिमम तो सेक्स एजुकेशन ही नियर होता है उस चीज के बारे में जो हम, वैसे तो शायद ये वीडियोस बच्चों के लिए नहीं होगी ऐसा बोल सकते हैं हम, बट मेरे हिसाब से बच्चों के लिए ही होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को जितना पता होगा, कि नहीं तो वो कहीं और से एजुकेशन लेकर आएंगे और फिर वो एजुकेशन अब किस सोर्स से लेकर आ रहे हैं पता नहीं है, वो नेट से लेकर आ रहे हैं, अपने दोस्तों से लेकर आते हैं, उनको भी पूरी एजुकेशन नहीं होगी. तो मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है वो गुप्त ज्ञान जो है वो डायरेक्ट बच्चों को माँ बाप को ही देना चाहिए, जिससे उनको गलत जगह ना जाके वो करेक्ट जगह से हर चीज़ पता करें. सो, क्योंकि हर एक को एक टाइम के बाद जरूरत हो, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए क्या है, वो कहीं ना कहीं से एजुकेशन तो लेगा ही लेगा, वो कैसे कहाँ से लेगा उस पर मेन फोकस होगा. बाकी देखते हैं आशीष ने कैसे क्या दिखाया है इसके अंदर. लेट्स चेक इट आउट, देखने चले फिर. हेवी गाओ. हाँ, दिस वीडियो इज नॉट फॉर गुड, बट जाओ माँ बाप खोलो अपने कान. बच्चों को देना जरूरी है सेक्स एडुकेशन का ज्ञान, चाहे हो छोरा या हो कोई छोरी, इस ज्ञान के बिना उनकी जिंदगी अधूरी. तो चाहिए और आज ही दीजिए अपने बच्चों को गुप्त ज्ञान. जरूरी है, जरूरी है, बट मेरे को लग रहा है बच्चों को भी दिखाना चाहिए वीडियो, ऐसे नहीं है. देख बेटा अभी वक्त आ गया है. आपको कैंसर है? अरे नहीं जुला. नहीं नहीं, मम्मी फिर से घर से निकाल रही है. अरे तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी है. ऐसा कुछ नहीं करना. लेकिन जो तुझे करना है वो समझाना है. क्या मतलब? मुझे तुझ जैसी गलती एक और नहीं चाहिए जिंदगी में. देख बेटा मैं जो बताने वाला हूँ तुझे, जो चीज हमें करनी है. मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. शर्माओ मत, आपकी औलाद हूँ, बताओ. बेटा मर्डर देखिए, मर्डर. नहीं पापा, वो एडल्ट पिक्चर थी ना, थोड़ी देखी थी. वो गाना देखा था, बीगे होठ तेरे. प्यासा दिल मेरा, इसमें हीरो का दिल प्यासा क्यों है? क्योंकि पापा वो हीरो जो है ना बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे, पूरी पिक्चर नंगा घूम रहा था. और तो और घर भी नहीं था पापा बेचारे, कभी बालकनी में सोते थे कभी छत पे सोते थे. अब बताओ ऐसी हालत में खाने पीने को पैसे नहीं होंगे तो पिएगा क्या पापा, इसलिए उसका दिल प्यासा था. अरे अनुराधा तुम भी कुछ समझाओ या मैं ही समझाते रहूं. क्या बोल रहा हूँ? तुम भी कुछ समझाओ या मैं ही समझाते रहूं. पता नहीं, भूल जा जो मैंने बोला. ये क्या है? चार्जर. साइज जाने दे, इसका साइज छोटा है उससे मैटर नहीं करता, टेक्निक मैटर करती है. तो अभी अगर इससे मैं इसमें घुसाऊंगा तो क्या होगा? आवाज आएगी. कैसी आवाज आएगी? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. बिजली का बिल? कुछ नहीं, चाय मिलेगी. थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई एग्री. कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिलाइए बेटा. हाँ पापा, हिल जाती है कभी गलती से. तो कुछ होता है? क्या होता है बेटा? कोल्ड ड्रिंक उड़ के बाहर आती है. ऐसे ही तुझ में से कुछ उड़ के बाहर आता है? हाँ पापा, होता है मेरे साथ. पहुंच रहे वहाँ पे. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. पापा एक्चुअली सुबह को ना, सुबह जब मैं बाथरूम में जाता हूँ ना, तभी सोचूं उठने से पहले हमेशा बाथरूम क्यों भागता है तू. पापा सुनो ना. ओके. जब मैं बैठता हूँ ओके, मेरे अंदर से ओके उड़ के जज्बा बाहर आता है पापा कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ. इट्स डिफिकल्ट. शादी के बाद क्या होता है? तलाक. इतना आगे कहाँ पहुँच रहा है भाई? तलाक के पहले क्या होता है? लफड़ा. लफड़े के पहले क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग. अरे मिसअंडरस्टैंडिंग के पहले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, जो मिस होने वाली है. अरे मेरे साइकोलॉजिस्ट की औलाद, इतना सोचेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने अगर इतना सोचा होता तो तू ही नहीं होता आज. शादी के इमीडिएटली बाद क्या होता है? रिसेप्शन. रिसेप्शन. रिसेप्शन के बाद क्या होता है? विदाई. मैं विदाई की नहीं, मैं जाने दे. विदाई के बाद क्या होता है? हिसाब किताब, किसने कितना खाया, रुपए ने कितना दारू पिया, कौन बदतमीज लिफाफा खाली देके गया. हिसाब किताब के बाद जब एक लड़का लड़की कमरे में बंद हो जाते हैं तब क्या होता है? चिल्लाने की आवाज आती है. क्यों आती है? क्या पापा, अब ये बताने की कोशिश करो इतनी देर से, आप सीधा सीधा बोलो ना, मेरे को इसके बारे में अच्छे से पता है. थैंक गॉड तू समझा.
मेरी हालत खराब हो गई बेटा, समझा समझा के। शादी के बाद लड़की मेरे साथ कमरे में अकेली है तो पापा चिल्लाएगी ना, और चिल्ला चिल्ला के रोएगी ना बेचारी। पापा अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर में शादी करके आई है, अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी, अकेले बेड में बैठेगी। अब भला जब मम्मी अपने मायके में जाती है आपको रोना नहीं आता है? अरे नहीं, जब वो तेरी माँ मायके नहीं जाती है तब रोना आता है। हाँ ये बराबर सुनाई दिया तेरे को। हाँ आगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद किधर जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून। हनीमून पे क्या करते हैं? हनीमून पे तो एक ही चीज करते हैं पापा। हाँ। बार बार करते हैं। लगातार करते हैं। हर जगह करते हैं। हर जगह दिल खोल के करते हैं। क्या करते हैं? पैसे खर्च। पापा उधर पैसे की नहीं सोचते, उधर खर्चा कर सकते हैं ना अच्छे से। जब हम घूमने निकलते हैं उसके पहले हम हनीमून पे कहाँ रहते हैं? होटल। होटल। होटल में क्या होता है? रूम। रूम में क्या होता है? बेड। बेड पे क्या होता है? चादर। चादर के नीचे क्या होता है? बेड। अरे तो बेड और चादर के बीच में क्या रहता है? मेरे को पता ही नहीं ना पापा, जैसे ही मैं वहाँ पे हाथ लगा तो मम्मी चिल्लाती है अभी अभी बनाया, साफ किया है, हाथ काहे को लगाता है, तो कैसे हाथ लगाऊंगा? मम्मी कहाँ से आई वहाँ पे? मम्मी मेरे साथ हनीमून पे नहीं चलेगी, इतना बाहर में अकेला जाऊंगा पापा, मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तूने कभी प्रोटेक्शन के बारे में सुना है? प्रोटेक्शन? रबर, फुग्गा, रेनकोट, लेमिनेशन, हेलमेट, शो स्टॉपर, छोटे भाई की शेरवानी। शेरवानी देखा है क्या? वही कह रहा था भाई, वो तो यूज करना चाहिए। तो जब तेरी माँ और मैं, मेरे को पता है आप और मम्मी क्या करते हो रूम में। क्या? उस दिन रात को ना मैंने झाक के सब देख लिया था। तूने सब देख लिया? मैंने देखा। क्या देखा तूने? मम्मी आपको लेटा लेटा के डंडों से ऐसा कुत्तों की तरह मार रही थी ना, मेरे को बहुत दुख हो रहा था देख के। बट मम्मी अच्छी है, आपको उसके बाद आयोडेक्स भी लगाया मम्मी ने। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेटिस्फैक्शन। मेरे को आपका बेटा भी बहुत शरीफ है, मैंने बताया मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसका बिल्कुल खड़ा नहीं होता, किधर खड़ा नहीं होता किसी के लफड़े में, साइड में। क्या बोल रहा हूँ बेटा सुन, बचपन में तेरे चाचे ने तेरा नाम याद में क्या रखा? सागर। मलाड के आगे दादर है। हाँ। प्रोटेक्शन नहीं यूज करो तो फादर है। हाँ? और बूंद बूंद से बनता सागर है, अभी तो समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। पापा आप कहना क्या चाहते हो इतनी देर से, आप क्या कहना चाहते हो? मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है पापा। देख अभी मैं सीधा बोलूंगा। शादी के बाद एक लड़का एक लड़की को अपना लव देता है, ओके, और लड़की बदले में अपनी छूट देती है। छूट? ताकि देर इज नो झूठ। मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी माँ की? क्या बोला? छूट की बात कर रहा हूँ मैं। तुमने बताया था ना इधर बाजू में मार्केट में 25% छूट लगी है, उसी माँ की छूट की बात कर रहा था मैं। देख बेटा अभी मेरे को जो तेरे को बात बोलनी है मैं तेरे को डायरेक्ट एक साथ में बोलने वाला हूँ, समझना पड़ेगा। शादी के बाद हम मर्दों को एक लंबा सफर एक अंधेरी गुफा में घुस के तय करना पड़ता है। एक सफर तय करने के वक्त हमें अपने जोश पर काबू रखते हुए अपना आत्मसमर्पण करते हुए एक ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है जिसका परिणाम एक ऐसी चरम सुख सीमा तक पहुंचाता है, वो सीमा हमें एक ऐसा फल देता है जो फल तुम्हारी तरह दिखता है। अब मैं इससे ज्यादा संभोग को संक्षेप तरीके से नहीं समझा सकता हूं, तू समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पापा क्या कह रहे हो, हिंदी में बोलो ना, ये कौन सी भाषा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मेरे चुन्नी लाल तू जा, उससे ना हो पाएगा। पापा तू पोगो का प्रीमियम मेंबरशिप कर, तू जा, हम तब बात करेंगे जब तेरा तू बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तू जा। अरे तू बैठ, मैं जाता हूं, ठीक है? मैं जाता हूं। अरे पापा अब शायद बोल देगा। मेरे पापा कितने भोले, मुझसे गपागप की बातें कर रहे हैं और उनको लगता है मेरे को खुद आईडिया। नॉटी अमेरिका। फॉरवर्ड करके मेन पार्ट देखना। यस पापा करता हूँ। पापा मैं बैठ में चिपक रहा। तूने मेरा काटा। अभी देख तेरा क्या जाता। सॉरी मुझे लगा सच बताऊंगा तो लगेगा कड़वा, लेकिन तू तो निकला पैदाइशी भड़वा। सो दिस इज अबाउट द गुप्त ज्ञान सेक्स एजुकेशन। एक्चुअल में इट्स टू मच डिफिकल्ट। वाह इतनी इंग्लिश काफ़ी है शायद अभी के लिए। सीरियसली वैसे एक पिता के लिए या फिर एक पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए कि एजुकेट करना सबसे डिफिकल्ट होता है, और एक मेल को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतना ओपन नहीं हो पाते।
अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे पहले जो होता था ज़्यादा बात इतनी तो होती नहीं थी, अभी तो फिर भी इतना ज़्यादा बातें होने लग गई हैं, सब दोस्तों की तरह रहते हैं, सब के सब बहुत ही अच्छे से रहते रहने लग गए आजकल। बाकी पेरेंट्स में पेरेंट की तरह कोई भी नहीं रहता, मतलब मैं वो सुपीरियरिटी वाली चीज़ें मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखी है। अभी के जो भी ये न्यू पेरेंट्स हैं वो सम अंडरस्टेबल है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लोगों को, जैसे सबसे पहले तो कोई पहले समझता ही नहीं था, शादी पहली हो जाती थी 10-12 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी, फिर पता ही नहीं कहाँ से कहाँ क्या एजुकेशन लेकर आते थे, और फिर कुछ भी हो जाता था, फिर उससे प्रॉब्लम भी काफ़ी सारी थी, और फिर उतने अच्छे वेल डेवलप्ड बच्चे भी नहीं हो पाते थे। तो ये ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बट ओपनली बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार बोल दो अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स, शायद ये एजुकेशन 7-8 क्लास में दे देनी चाहिए हर एक बच्चे को, अबाउट द सेक्स एजुकेशन एक्चुअल में नीडेड है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं से तो डेफिनेटली लेकर ही आएगा, जैसे इसमें दिखाया वो कहीं ना कहीं मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में गूगल करेगा, और गूगल में अब दोस्तों ने जो बताया उसी तरीके से करेगा, और वो अलग ही प्रोस्पेक्ट में लेकर जाएगा, वो डायरेक्ट तो नहीं लेकर जाएगा ना उस चीज़ को। पहले मैं सोच रहा था गुप्त ज्ञान क्या है, गुप्त रोग की तरह कुछ है क्या, बट फिर मैंने शायद जो मैंने एज्यूम करा वो सेम ही निकलेगा, एक्चुअल में सेक्स एजुकेशन के बारे में था ये, और इट्स फॉर किड, मेरे हिसाब से डिस्क्लेमेशन नहीं होना चाहिए था ये, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए था, बच्चों के लिए बिल्कुल है वीडियो, और बच्चों को ये दिखानी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं वो पेरेंट्स डायरेक्ट ना बोलकर ये वीडियो दिखा सकते हैं, भाई देख लो एक्चुअल में ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, और इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए आपको, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर वो अलग अलग तरीके की चीज़ें, इट्स क्रिएट मच मोर ब्लंडर्स, सो इट बेटर देन क्योर, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, क्योर इज़ बेटर देन समथिंग समथिंग, तो वही यार समझ लो, इतना मैं नहीं समझाऊँगा, ठीक है। सो दोस्तों यार वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वाह वाह, शेयर वीडियो फिर से सब्सक्राइब चैनल एंड डू कमेंट, दोस्तों कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। सो टिल देन बाय, टेक केयर सेल्फ, अपने दोस्तों का ख्याल रखे, और ये वीडियो जितना हो उतना स्प्रेड करो, क्योंकि हर एक बच्चा को पता होना चाहिए। सो बच्चों पूरी जानकारी लो, और बिना हेजिटेशन के, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अपने से बड़े ब्रदर, चलो पेरेंट्स से नहीं पूछ रहे तो ब्रदर से पूछो, सिस्टर से पूछ लो, या किसी से पूछो, क्योंकि नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, वो फेक नॉलेज दैट्स क्रिएट अ ब्लंडर है ऑलरेडी टोल्ड यू। सो टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, साइनिंग आउट।